तो फाइनली यामाहा R15 का भी 2023 मॉडल 13 फरवरी को लॉन्च होने वाली है, लेकिन लॉन्च होने से पहले कुछ डीलरशिप पे पहले से पहुंच चुकी है, जहां से कुछ जानकारी आई है उसकी जानकारी आपको हम यहां पे देने वाले हैं। इसमें क्या कुछ नए अपडेट किए गए हैं, इसमें TFT डिस्प्ले भी दिया गया है, तो किस वेरिएंट में दिया गया है, क्या इसकी प्राइसिंग हो सकती है, ये सारी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यामाहा R15 वर्जन 4 की, तो ये नए मैट ब्लैक कलर के साथ मिलेगी, जहाँ पे नई ग्राफिक्स दी गई है। हालांकि इसके पहले जो डार्क नाइट कलर मिलता था उसमें कुछ ज़्यादा ग्राफिक्स दिए गए थे, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ये मैट ब्लैक लग रही है न्यू मॉडल, जहाँ पे गोल्डन कलर की ग्राफिक्स दी गई है। काफ़ी कम ग्राफिक्स दी गई है, लेकिन काफ़ी क्लासिक ये लुक दे रहा है। यहाँ पे आपको इसमें नई कलर ऑप्शन के साथ गोल्डन कलर की फिनिश देखने को मिल रही है, गोल्डन कलर की यहाँ पे व्हील्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये लुक काफ़ी पहले से बढ़ चुकी है। इसके अलावा इसमें कोई भी आपको चेंजेस दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इसके इंजन में थोड़ा सा अपडेट किया गया है, जो कि अब BS6 OBD2 सेंसर के साथ आएगी, जिससे कि आपके इंजन में कोई भी दिक्कत होती है तो एक तरह से ये सेंसर है, जिससे कि आपको स्मार्टफोन पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप सर्विस करा सकते हैं। इसलिए कंपनी इसमें नया ये OBD सेंसर दे रही है, और अप्रैल 2023 से सभी बाइक्स में ये मैंडेटरी भी हो जाएगा, जिस उससे पहले ही अपने नए मॉडल्स में ये सारे फीचर्स दे रही है। इसके अलावा R15 ऐप में भी थोड़े से अपडेट किए गए हैं, उसमें थोड़े से ज़्यादा आपको अपडेट मिल जाते हैं, क्योंकि जो R15 है इसमें आपको LED इंडिकेटर लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, जो कि R15 वर्जन 4 में नहीं दिया गया है, लेकिन M वेरिएंट में आपको LED इंडिकेटर लाइट्स देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें TFT डिस्प्ले भी दी गई है, जो कि अब नए लुक के साथ कलर यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो ये अपडेट इसमें हुआ है। इसके अलावा इसमें भी आपको BS6 OBD2 सेंसर के साथ आपको इंजन मिल जाती है। तो R15 वर्जन 4 और R15 M में यही आपको नया अपडेट 2023 मॉडल मिलने वाला है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसकी जो प्राइस होने वाली है 5 से 6 हज़ार रुपये तक ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इस समय जो R15 है उसकी जो प्राइस है लगभग 1,85,000 रुपये तक एक्सट्रीम प्राइस है, तो लगभग 1,90,000 रुपये तक चली जाएगी। लेकिन वही जो R15 M है 1,92,000 रुपये तक प्राइस है, तो उसकी प्राइस लगभग आपको 1,98,99,000 रुपये तक चली जाएगी। बाकी ऑफिशियल जो भी प्राइस आएगी और भी क्या अपडेट होंगे और भी कौन कौन से कलर मिल सकते हैं, ये सब जानकारी आपको 13 फरवरी को मिलेगी। तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेट यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगी। इसके अलावा MT15 में भी कंपनी ने नए अपडेट किए हैं, इसके पहले वीडियो मैंने आपको जानकारी भी दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।